गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ट्रांसड्यूसर और उसके कुछ क्लासिफिकेशन देखे थे, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर और उनके एग्जांपल और उनके डेफिनेशंस। इस क्लास में आज हम एनालॉग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होता है जो कि आउटपुट, जिसका आउटपुट हमेशा एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। आउटपुट इज एनालॉग सिग्नल। आप ये समझना है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, और डिजिटल ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसका सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल। इसकी जो एग्जांपल है एनालॉग ट्रांसड्यूसर के, वो एलईडी, कैपेसिटर, ट्रांसड्यूसर, थर्मिस्टर और थर्मोकपल, जबकि इसके ऑप्टिकल इनकोडर और डिजिटल। अब देखो एनालॉग ट्रांसड्यूसर आप देख समझ क्या होता है। जैसे आप पे, जैसे क्या नाम है, जैसे चलो मैं बता, जैसे ये कोई सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल इज द एनालॉग सिग्नल, और इसका एक कदम यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये समझ लेना, ये तो है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक्स एक्सिस, मतलब इसको बोलते हैं टाइम वाला एक्सिस, और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो वाई लग रहा है, इसको बोलते हैं अपन वी से वी वी, ठीक है। तो अब आपको इसमें समझना क्या है कि जो वी बाई टी होता है, जो वोल्टेज डिवाइड बाई टी है, वोल्टेज वर्सेज टाइम का डिफरेंस कर रहे हैं, या करंट वर्सेज टाइम का डिफरेंस कर रहे हैं, या पावर वर्सेज टाइम का डिफरेंस कर रहे हैं, या कोई मतलब ये सिग्नल की वैल्यू है, ये सिग्नल की वैल्यू प्रत्येक, मतलब यहाँ पे भी कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, इस जगह पे भी अलग है, इस जगह पे 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 अलग है। तो मतलब प्रत्येक टाइम इंस्टेंट के ऊपर एनालॉग सिग्नल की कुछ वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं अपन एनालॉग सिग्नल। जबकि कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट होता है तभी सिग्नल की वैल्यू आती है, तो उसको अपन बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। अब जैसे अभी ये है आपका टाइम, आप ये सिग्नल है, जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू कुछ आई, इस सिग्नल पर भी कुछ वैल्यू आई, इस सिग्नल पर भी कुछ वैल्यू, जैसे यहाँ से जान लो इस सिग्नल की ये वैल्यू, इस पर आपकी ये है, इस पर आपकी ये है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये तीन है, ये आपकी दो हो गई, ये आपकी पाँच हो गई, इस जगह आपकी चार हो गई, इस जगह आपकी एक हो गई। तो डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसका प्रत्येक टाइम इंस्टेंट पर उसकी कुछ वैल्यू हो, प्रत्येक टाइम इंस्टेंट पर वैल्यू होने की वजह उसकी कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू। तो इसको अपन डिजिटल सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। तो बाकी सिग्नल के बारे में तो आप कम्युनिकेशन में ज़्यादा बेटर पढ़ोगे, पर एनालॉग सिग्नल तो होता है कंटिन्यूस सिग्नल, और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप, हाँ ठीक है चलो, है ना, ठीक है। तो आप ये जो सिग्नल है, तो जो ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होता है जिसका आउटपुट इज एनालॉग सिग्नल, जिसका आउटपुट हमेशा एनालॉग सिग्नल आता है, और आउटपुट या एनालॉग सिग्नल, तो इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है।
और क्या है भाई? ये तो कर तो दिया मैं। अच्छा मेरे साइन नहीं हुए क्या? अच्छा मैं छुट्टी पे था। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं लाइट है यार, आई नहीं, उसको कुछ जुगाड़ करना। मैंने दो दो बार देख लिया, आपने बोला था उसके बाद भी देख लिया। अच्छा और प्रिंसिपल साहब को बताना, बोल दीजिए तो कोई एप्लीकेशन लेकर दिया मैं उनको, बोल क्रिमिनल के पता है, बोल दीजिए उनका वो पता है। क्या कर रहा है? अच्छा अरे कोई नहीं, कर रहा है यहीं बैठा। मुकेश आया है? मुकेश आया तो आया आया क्या सुबह बिस्कुट लेके आ रहा था। अच्छा हाँ मुकेश कौन सा? आप मुकेश तो नहीं तो बुला लेना तो फोन करके एक बार सुरेश से बात कर लेनी। मैं जैसे एक दो दिन में अगर वो आ रहा हूँ तो मैं कर रहा। अरे यार बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में। अब अपन तो चल रहे थे सच में, कुछ ऑफिशियली एक्टिविटी लग गई थी। हाँ तो अपन एनालॉग सिग्नल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल में सबसे पहला एग्जांपल होता है एलवीडीटी का। तो एलवीडीटी जो आउटपुट होता है वो आपका एनालॉग आता है। कैपेसिटर का जो आउटपुट आता है वो भी आपका एनालॉग आता है, ठीक है। इसी तरह के थर्मिस्टर का जो आउटपुट आता है वो भी आपका एनालॉग, और थर्मोकपल का जो आता है वो भी आपका एनालॉग। और डिजिटल ट्रांसमीटर होता है उसमें क्या होता है, आउटपुट डिजिटल सिग्नल होता है। तो जैसे डिजिटल टैकोमीटर, ठीक है, डिजिटल टैकोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर मतलब एक मशीन सी होती है। तो उसमें जैसे आपके जैसे वेट तोलने की मशीन होती है, तो वेट तोलने की मशीन को बड़ा डिजिटल में दिखा दिया जाता है, 5, 10, 6, 8, 12 ऐसे वो आपको मेजर करके बताएगा। तो वो क्या करता है, जैसे आपकी स्पीड आई 5.9, फॉर एग्जाम्पल 5.9, तो 5.9 की जगह वो क्या करेगा, उसका लगभग उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है तो वो ले लेगा 6। तो वो आपको 6 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल बेसिकली क्या होता है, इसमें सब पूरा सिग्नल आता है। उस सिग्नल के अंदर चाहे आपको नॉइज जाए, चाहे विदाउट नॉइज जाए, चाहे वो डिजाइड सिग्नल हो, चाहे वो अनडिजाइड सिग्नल हो, तो इसके अंदर संपूर्ण पूरा के पूरा सिग्नल आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एनालॉग सिग्नल। अब आप देखोगे इसके अंदर क्या नाम है, ट्रांसड्यूसर। अब मैं सबसे पहले आपको कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब इस वाले पोर्शन को तो हम पढ़ेंगे लास्ट में। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको, ये क्या समरी है, तो लेकिन इसको समरी की बजाय पहले अपन डिटेल में पढ़ लेते ज़्यादा बेटर है। तो अब ये देखो, ये है आपका कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर। तो कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर में आप कैपेसिटर को जानते हो कि कैपेसिटर होता क्या। तो कैपेसिटर क्या होता है, दिस इज द कैपेसिटर प्लेट। तो इनके बीच की जो दूरी है इक्वल है ना, ध्यान रखेंगे ऐसे थोड़ा सा हो रहा है। इनके बीच की जो दूरी है ये, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, टू कैपेसिटर प्लेट इन नॉन ऑज ए डी, ओके। तो ये तो हो गई आपकी डी, और एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट इट इक्वल टू ए, अंडरस्टूड। तो जो कि सी बराबर ही होता है आपका एप्सिलॉन ए बटे डी, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई। तो ए इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो एप्सिलॉन क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ए बराबर क्या हुआ, एरिया ऑफ प्लेट, और डी बराबर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द प्लेट। Consider epsilon to be constant value. This transducer can be designed for both the change in area as well as
चलिए तो ठीक है, तो एप्सिलॉन है तो उसमें चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होता है। इसमें दो चीज़ चेंज हो सकती है, या तो एरिया चेंज होगा, ये उनके बीच में दूरी चेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके डिस्टेंस चेंज। तो अब फॉर एग्जांपल वेरिएबल सी ट्रांसड्यूसर बेस्ड अपॉन द चेंज इन द एरिया। तो अब ये है आपका कैपेसिटर प्लेट। अब इस कैपेसिटर प्लेट में क्या है, जो इस सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू एरिया से डिपेंडेंट होती है। तो एरिया मतलब क्या होगा आपका, लेंथ इंटू वेड, लेंथ इंटू वेथ। लेंथ इंटू वेड, तो लेंथ इंटू वेड में यदि मैं चेंज करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल में चेंज किया इसकी लेंथ में, तो ये तो इसकी क्या हो गई वेड, दिस इज दैट वेड और दिस इज लेंथ। तो लेंथ में मैं चेंज करता हूँ, तो लेंथ को मैंने क्या कर दिया, लेंथ बराबर मैंने मान ली एक्स। तो लेंथ एक्स है, तो एक्स मतलब ए वेरिएबल है। तो अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को, जब वन कैपेसिटर की प्लेट, जैसे ये तो हो गई आपकी फिक्स्ड प्लेट, दिस इज द फिक्स्ड प्लेट एंड दिस इज मूविंग प्लेट, और जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जैसे ही मैं इसको इधर की साइड मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सी बराबर क्या होता है, सी बराबर आपको मैंने बताया था एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। तो ये ए है जो एरिया है किसका, कैपेसिटर प्लेट का। तो ये एरिया आपका बढ़ेगा भाई, एक प्लेट फिक्स है और एक मूविंग प्लेट है, तो उनके बीच में जो एरिया है वो ओवरलैपिंग एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर की वैल्यू आपकी बढ़ रही है। और जैसे जैसे मैं इसको दूर हटाऊंगा, मतलब एल बराबर एक्स की जो वैल्यू है जैसे जैसे कम होगी, जैसे जैसे ओवरलैपिंग कम होगी, तो एरिया आपका घटेगा। अब जैसे जैसे इसमें एरिया घटेगा तो आपके कैपेसिटर की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल एल बराबर एक्स कर दिया, तो इस करो को बाद में समझेंगे, पहले ये देखो एफ सी बराबर एप्सिलॉन ई बराबर एल इंटू डब्ल्यू। तो एल बराबर क्या लिख रहा है इसमें, एक्स है। तो ये यदि मैं सी की वैल्यू, तो ये सी की वैल्यू ये आ गई आपकी फाइनली। अब सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि उसकी डिस्टेंस में कितना चेंज करें कि उस डिस्टेंस के हिसाब से कैपेसिटर की वैल्यू परिवर्तित हो, या कैपेसिटेंस में परिवर्तन की दर विद रेस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस एक्स। ओके, तो ये हमने ले लिया डी सी बटे डी एक्स, बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन डब्ल्यू डिवाइड बाई डी इंटू एक्स है। ठीक है, इसमें एक्स तो एक्स करोगे तो ये क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब मेन के बीच की दूरी, कैपेसिटर प्लेट के बीच की दूरी। अब कैपेसिटर प्लेट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही वो आपके स्क्वायर शेप में हो, आपके रेक्टेंगल शेप में हो, कैसे भी शेप में हो सकती है, चाहे वो मतलब राउंड राउंड मतलब वृत्ताकार शेप में हो, जैसे यहाँ पे वृत्ताकार बता रखी है, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। उससे परिवर्तन ये आ गया कि जो एरिया है उसकी वैल्यू चेंज होगी, कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर आयताकार होती होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, वो तो एरिया है। और ये एक्स आपके, ये इसमें डी को अपन चेंज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इसमें डी को चेंज कर रहे हैं, तो ये डी को परिवर्तित करने पर क्या है कि इसमें ये जो एक्स है इसकी वैल्यू आपके परिवर्तित होगी। तो एक्स की वैल्यू परिवर्तित होगी, तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इससे इसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे। और सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, वही ऊपर वाला फॉर्मूला जैसे आपने बताया डी सी बटे डी एक्स, ये किए फॉर्मूला यहाँ लगाया। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डी सी बटे डी एक्स बराबर माइनस एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो इसमें क्या हुआ, आप इसको मान लो आप सी वर्सेज एक्स में आप करो खींच रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन बटे एक्स 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 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब ये आपका आया, तो ये कैसा आएगा, इसका करो आएगा आपका इस टाइप से। जब x की वैल्यू मिनिमम रहेगी तो c की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, जब x की वैल्यू मैक्स रहेगी तो c की वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो ये इस टाइप से आपका करो आ जाएगा। ठीक है,
और ये जो ऊपर वाला कर्व है आपका यार, ये आपका आ जाएगा सी प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि आपका इस जगह से आएगा, क्योंकि इसे एप्सिलॉन डब्लू बटे ये पूरा पूरा के नाम है, ये ऐसा आएगा। तो इसमें एप्सिलॉन डब्लू डिवाइड बाई डी, ये तो सारी चीज़ कॉन्स्टेंट है ना, तो इस कॉन्स्टेंट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये एक लीनियर कर्व आएगा, जबकि ये आपका हाइपरबोला वाला कर्व आएगा। ठीक है, अब वेरिएबल सी ट्रांसड्यूसर ये हो गया, इतना हो गया। अब वेरिएबल सी ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें चेंज इन द एरिया ऑफ प्लेट आर करेक्टराइज बाई हाई लीनियरिटी एंड स्पेसिफिकली यूज इन इंस्टेंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट अंडर द मेजरमेंट इज लार्ज। तो वेरिएबल सी ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द चेंज इन द एरिया, तो मतलब जो एरिया पे बेस्ड है, जो एरिया वाला जो कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर है जिसमें एरिया परिवर्तित हो रहा है, एरिया परिवर्तित होने वाला कौन सा, जिसका ये जो डी सी वटे डी एफ का जो कर्व आ रहा है ये आपका लीनियर आ रहा है, वो लीनियर कर्व वाला होता है, दैट इज यूज उस क्षण पर यूज होता है जहाँ के मेजरमेंट के लिए हमें लार्ज वैल्यू की, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर अंडर मेजरमेंट इज लार्ज, जब लंबे जब जब डिस्प्लेसमेंट लार्ज अमाउंट में करना हो। ठीक है, इसी तरीके से सी ट्रांसड्यूसर होता है, ये सी ट्रांसड्यूसर होता है, ये बेसिकली आपका नॉन लीनियर होता है और ये होता है हाइपरबोला टाइप का, और ये उस क्षण पर, और वेरिएबल सी ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द करेक्ट चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आर करेक्टराइज बाई हाई नॉन लीनियरिटी एट दीज ट्रांसड्यूसर एग्जिबिट। अच्छा, ये तो उसके आ गए, और ये होता है ये हाई नॉन लीनियर होता है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखो, इसमें बोला गया कि एट दीज ट्रांसड्यूसर एग्जिबिट ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप ओवर ए स्मॉल रेंज एंड हैव ए वेरी हाई सेंसिटिविटी और दे आर स्पेसिफाइड यूज इन इंस्टेंट अंडर द डिस्प्लेसमेंट अंडर मेजरमेंट इज स्मॉल। और तो ये इसका क्या हुआ, ये स्मॉल मेजर स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे द्वारा क्या क्या कर लिया, हमारे द्वारा वेरिएबल सी ट्रांसड्यूसर पढ़ा, उसके बाद एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर पढ़ा, और इससे पूर्व वाली क्लास में हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया था प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव पैसिव और ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन। ठीक है, तो थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।